हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल एसटी फिल्म्स में। तो दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ क्रिश्चियन इंटर कॉलेज के फील्ड में, फरुखाबाद में। अभी लगा है दुबई कार्निवल और ये है उसका मेन गेट, और इसे बनाया गया है लंदन ब्रिज की तरह, और लोगों का काफ़ी अटेंशन मिल रहा है इसे सेल्फीज़ के लिए। और इसके जस्ट सामने ये रहा फील्ड, और यहाँ पर है टू व्हीलर का स्टैंड, इधर फोर व्हीलर स्टैंड। फोर व्हीलर का जो स्टैंड का रेट है वो 50 रुपये है और टू व्हीलर का 20 रुपये, और इसके एंट्री फीस जो है उसका टिकट घर उधर है और उसका जो प्राइस है वो है 20 रुपये। तो अभी अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या है, और इसका एग्ज़िट गेट वो उस तरफ है। तो अभी इस गेट से एंटर होके इधर आ गए हैं, और यहाँ से एंटर होते ही ये रहा आपका दुबई का अल अरब होटल जो बनाया गया है। सामने दुबई मॉल है, थोड़ा आगे चलते हैं, इस कॉर्नर पे ये फरुखाबाद सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, आई लव फरुखाबाद जिस पे लिखा है। ये सारे अट्रैक्शन पॉइंट्स बनाए गए हैं जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आएं। अब इस गेट से अंदर एंट्री करते हैं और दिखाते हैं आपको कि अंदर क्या क्या है। ये है कपड़ों की दुकानें, इस तरफ ये 150 रुपये में, ये 100 रुपये में, ये बच्चों के कपड़ों की दुकान है, नहीं और भी लेडीज आइटम भी हैं। इधर ये बनारसी साड़ी है, ये यहाँ कोई हो तो पूछा जाए। इधर फिर आ गए, ये सेल 100 रुपये, इधर भी 100 रुपये, मतलब ये टोटल 100 रुपये की है। फिर ये हो गए डेली यूजेस की चीज़ें या बच्चों की चीज़ें हैं। फिर इधर ये 100 रुपये की लाइन है पूरी। इधर फिर वूलन कपड़े हैं, ये सारे लेडीज़ के हैं। इसका भी कुछ फिक्स रेट है ये? यार रखो सीधा, दिखे दिखो, सीधा करो। 350 ये 350 रुपये में है, ये सारा लेडीज़ वूलन का है, ये सारा 350 में है। अच्छा, तो मिक्स है, ज़्यादातर चीज़ें 350 में है, थोड़ा फिर अलग है। ये 300 रुपये सेल। अब इन सब का एक डेडिकेटेड वीडियो शॉप्स का अलग से बनाएंगे, अभी एक आपको पूरे एग्जीबिशन का एक ओवरऑल दिखाई दे रहे हैं सारी चीज़ें। ये किसी एक चीज़ का रेट पूछ के देखो, जैसे ये कितने के होंगे शिवलिंग, 150 का है, ये 150 के हैं, और ये सारी चीज़ें पीतल की हैं। और ये मुरादाबाद की शॉप है, सामने देख सकते हैं आप लोग, मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट्स। अभी ये कुछ दुकानें खाली भी हैं और कुछ लग भी रही, जैसे अभी ये शॉप जो है अभी वो लग रही है। एक शॉप है द पिंक थ्रेड्स, और इस पर सारे लेडीज़ के आइटम हैं,
और आज जो है 23 तारीख हो गई है, 23 नवंबर, और आज इसका जो है वो उद्घाटन है। और हमारे शहर फर्रुखाबाद के जो एसपी साहब हैं वो अभी थोड़ी ही देर में यहाँ आएंगे उद्घाटन करने। और अभी इस लेन के लास्ट में आ गए हैं और ये 150 रुपये में दो पीस हैं, मतलब 75 रुपये। और ये अच्छा, ये मोबाइल के कवर और ग्लास वगैरह हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप किसी भी मोबाइल पे टेम्पर्ड ग्लास लगवा सकते हैं 50 रुपये में। और इस लेन के लास्ट में है ये फर्नीचर की शॉप। ये कहाँ का होता है? सहारनपुर है, सहारनपुर का है ये। ये सामने बेड लगे हुए हैं। उधर सोफे हैं, डाइनिंग टेबल, और इस तरफ ये काउंटर पे लगा रखे हैं इन्होंने एंटीक आइटम्स। ये सारे वुडन के हैं। और ये वुडन में कुछ घड़ियां भी हैं जो काफी अच्छी लग रही हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो इन्हें एक बार जरूर देखें। और इस फर्नीचर की शॉप के बाद सीधा स्टार्ट हो जाते हैं ये झूले। तो यहाँ पे एक स्टेज बनाया गया है, यहाँ परफॉर्मेंस वगैरह करेंगे बच्चे, और अभी भी चल रहे हैं लोग, सिंगिंग डांसिंग कर रहे हैं और अपना अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, अभी तक हर जगह से ज़्यादा भीड़ इसी स्टेज के पास मिली है। मतलब लोग ठीक ठाक अट्रैक्ट हो रहे हैं इससे और यहाँ पे अपना टाइम लगा रहे हैं। इसके बगल में फिर ये हवाई झूला, इसका जो रेट है वो 50 रुपये। और उसके बगल में वो रहा नाव वाला झूला, जिसकी अभी लाइट्स ऑफ हैं। क्यों ऑफ हैं? किसी ना किसी फॉल्ट की वजह से होंगी। ये नाव वाला झूला, और उसके बगल में फिर ये ब्रेक डांस, और फिर ये रही ट्रेन। ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जाती है? सभी झूलों का जो रेट है वो 50 रुपये है। इस आसमानी झूले का, ये नाव वाले झूले का, फिर ये ब्रेक डांस, ये ट्रेन, इन सबका जो टिकट का प्राइस है वो है 50 रुपये। और अभी चलते हैं उधर मार्केट में, दूसरी लेन में। और यहाँ पे आप कैमल राइड भी कर सकते हैं, उसका भी जो रेट है वो 50 रुपये है। और फिर दूसरी लेन में जाने से पहले आपको दिखा दें, यहाँ पे ये कारपेट की भी एक शॉप है, और यहाँ अलग अलग वैरायटी की काफ़ी सारी कारपेट्स हैं। और यहाँ से चलते हैं इस दूसरी लेन में। यहाँ पे ये सेल है 200 रुपए की, 100 रुपए, 200, उधर 300 रुपए भी है। तो इस वाली शॉप पे 200, 100, 200, 300, तीनों रेट के चीज़ें हैं। चलिए इस लाइन में आगे बढ़ते हैं। और कॉपीराइट आ सकता है, गाने बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ चल रहे हैं यहाँ पे। और ये है यहाँ से आप ये सदरी वगैरह ले सकते हैं। आ गई 250, ये 100 रुपये,
ये वही शॉप है क्या? वो शायद ही होगी यहाँ पे। ये है वो शॉप है। ज़्यादातर शॉप जो हैं वो वूलन कपड़ों की हैं, और उसमें भी लेडीज़ों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, लेडीज़ आएँ और शॉपिंग करें। और ये है राजस्थानी स्पेशल अचार, अगर अचार की शॉप से आगे बढ़ते ही ये है की होल्डर की एक शॉप। यहाँ पे शॉल हैं, सूट हैं, और ये बच्चों के खिलौने, मतलब सबसे ज़्यादा कपड़ों की दुकानें हैं, और उसमें भी लेडीज़ों के लिए ज़्यादा है, उनका अट्रैक्शन चाहिए, सेल बढ़ेगी। ये रहे बच्चों के खिलौने, क्योंकि बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। कोई भी कपड़े पे इंका पेन का, हेयर डाई का, नेल पॉलिश का दाग लग जाए तो इसमें क्या है, पहले छोटी सीसी लगाएंगे, दाग को इस तरह डाइल्यूट करेगा, कमज़ोर बनाएगा, फिर सर बड़ी सीसी लगाएंगे, दाग हवा में गायब हो जाएगा। कोई भी दाग, कैसा भी दाग, तुरंत साफ, एनी फैब्रिक, एनी कलर, कोई भी स्टैंड तुरंत साफ हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अच्छा, ये ग्लू स्टिक का, एक ग्लू स्टिक नहीं होती, इधर गम स्टिक कह सकते हो, घर में आप तो कुछ भी टूटा है, लीकेज है, आप इसे हल्का सा मेल्ट करेंगे, मेल्ट करके इससे सर लोहा है, प्लास्टिक है, फाइबर है, ग्लास है, मेटल है, घर में नल का लीकेज है, सिंटैक्स का लीकेज है, कूलर की बॉडी है, जूते चप्पल के सोल है, बच्चों के टॉय है, मैडम की ज्वेलरी है, बेंचेस क्या होती है, रनिंग वाटर, आप इसे रनिंग वाटर पे भी लगाएंगे तुरंत बंद, पानी बह रहा लगा दीजिए तुरंत बंद, एक्स्ट्रा भी इसी से डाल लीजिए अभी काम आएगा, आप इसे खूंटी हैंगर कुछ भी लगाओ मात्र 100 रुपये, कभी ख़राब नहीं होगा, कोई एक्सपायरी नहीं होगी। और क्या आपके पास ये मैजिक टॉवल दिखाओ? एक ये मैजिक टॉवल होता है, किसी भी चीज़ को किचन स्लैब, किचन पट्टी वगैरह साफ करने के लिए होता है, ये आधा लीटर पानी अब्जॉर्ब वाला कपड़ा होता है, माइक्रोफाइबर, जैसे लेडीज किचन में काम करती हैं, किचन में तेल, सॉस, चटनी, ऑयल फैल जाता है, उसे साफ करने के लिए क्या करती है, नौरो कपड़ा यूज़ करती है, नौरो कपड़े से क्या है, कपड़ा काला पीला चिकट हो जाता है। मैजिक टॉवल क्या है, सारी गंदगी अब्जॉर्ब तो करेगा बट लॉक नहीं करेगा, रनिंग वाटर में दो बार सर प्रेस करेंगे, सारी गंदगी, सारी चिकनाहट बाहर हो जाएगी, क्योंकि इससे गंदगी निकालना बेहद आसान है, कहीं भी चाय पानी दूध गिर जाता है, उसे साफ करने के लिए वाइपर या पोछा यूज़ करते हैं, तो कोई वाइपर नहीं, कोई पोछा नहीं, सिर्फ टॉवल को रखेंगे, ये अपने अंदर आधी लिक्विड एब्जॉर्ब कर लेगा, आप किचन से लेके वॉशरूम तक जाएंगे एक बूंद पानी को ड्रॉप नहीं बनाएगा, और कपड़े की तरह जाके निचोड़ देंगे, कपड़े की तरह जितना मर्जी निचोड़ेंगे, जितना मर्जी खींचेंगे, कटेगा नहीं, फटेगा नहीं, जलेगा नहीं, जब 36 घंटे यूज नहीं करेंगे तो इस तरह हार्ड होने लगेगा, पत्थर की तरह, टच करके देख सकते हो, इस तरह हार्ड होने लगेगा,
जिसके कारण कोई इसमें बैड स्मेल बैक्टीरिया फैलेगा, पानी में डालेंगे सॉफ्ट हो जाएगा। 120 का एक आएगा, 200 रुपए के दो आएंगे। ये 200 के दो है? जी सर, 200 के दो है। 100 पीस का सर? जी जी, तीन आएंगे। हाँ, तीन स्टिक का पैकेट आता है 100 रुपए का ज्वाइंट करने के लिए। एक ये आता है ग्लास क्लीनर, शैम्पू डालेंगे ऐसे स्प्रे करेंगे, इससे आपकी कार का शीशा, कार की बॉडी, सन माइका, ड्रेसिंग टेबल, घर का शीशा, डोर दरवाजे, विंडो, खिड़कियाँ, वन साइड रब और टू साइड क्लीन। कोई पेपर नहीं आना, कोई कपड़ा नहीं आना, टच करके देख सकते हैं आप। MRP 300 है, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट 200 रुपये का, 200 का। एक ही कारपेट कालीन साफ करने के लिए होता है, इससे आपकी कारपेट या कालीन या कोई भी मिनी से मिनी डस्ट को एक्सेप्ट वो करता है। ये देखिए, कंबल, कोट, रजाई, चटाई, बेड, बेडशीट वगैरह के लिए सबको साफ करेगा, सारी धूल मिट्टी इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगी। खाली था बिल्कुल अभी? हाँ खाली था, ये सारी धूल मिट्टी कलेक्ट कर लेगा। मात्र 100 का है ये, 100 का। हाँ, एक ही हीटिंग पैड है सिकाई करने के लिए, 5 मिनट गर्म हो जाएगा, 6-7 घंटे गर्म रहेगा कंटिन्यू। बबलिंग हो जाती है कपड़ों पे, या कुत्ते, बिल्ली के, डॉगी के, खरगोश वगैरह के बाल लग जाते हैं, सारे इसके अंदर आ जाएंगे। हालांकि इसमें बबल्स हैं नहीं, अगर बबल्स होंगे तो सारे आ जाएंगे जो भी हैं। ना ही कपड़ा कटेगा फटेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, नो प्रॉब्लम। ये देखिए, हाँ लगा के देख सकते हो, और सारा जो कचरा होता है वो इसके अंदर स्टोर हो जाता है, इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ये आप ही के बबल है, मेरे नहीं है। ये 550 का है सर, वो है नहीं, जितने भी थे वो निकल गए सारे। 550 का सर, 550 का। तो अभी फर्स्ट लेन हो गई, सेकेंड लेन हो गई, अभी हम चल रहे हैं थर्ड लेन में, जो एग्जिट लेन भी है, यहाँ से ही आपको एग्जिट भी लेना है। तो इस तीसरी लेन में भी बच्चों के लिए झूले हैं, और आपके खाने पीने की सारे स्टॉल्स यहीं पे हैं। जैसे एक ये आ गई बॉम्बे की मशहूर भेलपुरी, ये 50 रुपए की एक प्लेट है, और उसके ठीक सामने यहाँ पे ये आ गया भूत बंगला। तो यहाँ का भूत बंगला भी आपको दिखाएंगे अलग से, इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। और इसके बगल में ही ये जो बचपन में बहुत ज़्यादा आपने भी ये सब किया होगा, इसके यहाँ पे ये कैमल राइड भी है, और इसका जो है इसका भी एक राउंड का 50 रुपीज़ है। यहाँ पे ये स्वीट कॉर्न भी मिल जाएगा आपको, ये भेलपुरी के बगल में ही है, और इसके बगल में ये आगरा पापड़ भंडार, और इधर पॉपकॉर्न, स्वीट कैंडी, फिर से बच्चों के झूले, इधर एक छोटी ट्रेन भी है बच्चों के लिए, और इस छोटी ट्रेन के बगल में ये बच्चों के लिए हेलीकॉप्टर, और फिर ये मिक्की माउस। ये एक बच्चों के लिए अच्छी एक्टिविटी की चीज़ है। और ये बिल्कुल ये रहा एग्जिट गेट, और इसके बराबर में ही ये सुपर सॉफ्टी, और यहाँ पे ये कुछ है फ़ोटो फ्रेम वगैरह की शॉप है, इस पर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फ्रेम्स मिल जाएंगे। तो एक बार आना बनता है 20 रुपए की टिकट लेके, इसमें कुछ ख़रीदें ना ख़रीदें वो बाप की बात है। और ये एक आखिरी बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटी, ये पूरे मेले का या एग्जीबिशन का ओवरव्यू। और बाहर चलते हैं इस एग्जिट गेट से एग्जिट करके। और मेरा ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। और वैसे देखो, बोला भी जा रहा है हैंडलूम महोत्सव है ना, तो दुबई सिटी, दुबई सिटी क्या है फिर? थीम बेस्ड है ना। ये रही 4-व्हीलर की पार्किंग, और उधर 2-व्हीलर की पार्किंग। तो इस हैंडलूम फरुखाबाद महोत्सव में आए, और
दुबई सिटी के भी नज़ारे ले लें।